तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि चौरसी पे हम धार किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हम धार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारी चौरसी कितनी मोटी धार है इसकी और कितनी ख़राब हुई पड़ी है इसकी धार। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी बहुत अच्छे तरीके से हम धार लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं आपको धार लगा के दिखाऊंगा इसकी। दोस्तों इसमें एक बोर्ड का पीस लेंगे, उसमें दो कीलें काट लेंगे 20 नंबर की। ये इसलिए काटेंगे दोस्तों ताकि हमारी जो पथरी होती है धार लगाने वाली, ये आगे पीछे को हिले ना। ठीक है, अगर हम 20 नंबर की कीलें गाड़ लेंगे ना तो पथरी हमारी आगे पीछे को नहीं होगी, पथरी एक जगह रखी रहेगी तो बहुत ही आसानी से धार लग जाती है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। ये इस तरीके से हम 20 नंबर की कील गाड़ लेंगे। ठीक है, और पथरी हम इस तरीके से इसमें फंसा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो पथरी में दो साइडें होती हैं, एक तो साइड होती है जिधर मोटे दांते होते हैं इसके और मोटा पत्थर होता है, एक साइड होती है जिधर पतला पत्थर होता है। ठीक है, मोटे पत्थर की तरफ से रखेंगे और चौरसी को इस तरीके से पकड़ेंगे, ना तो ज़्यादा लिटा के पकड़ेंगे ना ज़्यादा उठा के पकड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी करके चौरसी नहीं पकड़नी है, ना बिल्कुल आड़ी करके चौरसी पकड़नी है। ठीक है, इसको थोड़ी सी आड़ी इस तरीके से रखेंगे हम। ठीक है, ना पूरी आड़ी ना पूरी सीधी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी आड़ी इस तरीके से हम चौरसी पकड़ेंगे। उंगलियां इस तरीके से हमें रखनी है जैसे मैंने रखी हुई है, ना इसको लिटाएंगे ज़्यादा ना इसको ज़्यादा उठाएंगे। नॉर्मल तरीके से इसको चौरसी को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, पथरी पे जो हमारी चौरसी होती है पथरी पे पूरी आगे पीछे तक जानी चाहिए। बीच बीच में अगर हम धार लगाएंगे तो पथरी इसकी चौरसी की तेग भी, चौरसी की धार भी गोल हो जाएगी और हमारी पथरी में भी खड्डा हो जाएगा। इसलिए चौरसी को पूरी इस पर पथरी पे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हम धार लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसको हल्का हल्का करके आगे लाएंगे, हल्का हल्का करके इस तरीके से इसको पीछे ले जाएंगे, हल्का हल्का करके इसको पीछे ले जाएंगे। इस तरीके से पूरी पथरी पे इस पर धार लगानी है हमें। ठीक है, इसको ना तो पूरा ज़्यादा लिटाना है और ना ज़्यादा खड़ी करनी है चौरसी को। ठीक है, नॉर्मल जो होता है बीच में उस पर हम धार लगाएंगे नॉर्मल पकड़ के। ठीक है, इस तरीके से हम धार लगा लेंगे, बहुत ही अच्छी धार लगेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम चौरसी पकड़ेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 3 उंगलियां रखेंगे चौरसी पे और इस पे दोस्तों जोर दोनों तरफ से, दोनों हाथों से बराबर डालना है ताकि एक कोना ना घिस जाए, दोनों कोने बराबर घिसने हैं। अगर हम पूरी पथरी पे आगे से पीछे तक इसको चलाएंगे तो पथरी भी गोल नहीं होगी और चौरसी की धार भी एकदम चौकोर लगेगी। ठीक है, अगर हम बीच बीच में इसको चौरसी को चलाएँगे तो पथरी में खड्डा हो जाएगा, इसकी धार भी गोल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूरी पथरी पर हमें चौरसी को चलाना है। ये इस तरीके से पकड़ेंगे और आराम से धार लगा लेंगे। दोस्तों 93% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और मेरी वीडियो चलाते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मुझे भी लगे कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ला के दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम धार लगा लेंगे। दोस्तों तब तक इसको घिसना है जब तक एक तरफ से इस पर बाल ना आ जाए चौरसी पर। ठीक है, ये यहाँ पे इस पर बाल आ जाता है, जब तक बाल नहीं आएगा तब तक इसको चौरसी को घिसना है। यहाँ पे इस पर बाल को बोलते हैं, हल्का हल्का जो लोहे की परत होती है ना वो इधर को निकल जाती है हल्की हल्की सी। ठीक है, जब तक इधर को परत नहीं निकलेगी लोहे की तब तक इसको चौरसी को घिसना है। अभी इस पर थोड़ी कम परत निकली है, अभी इसको हम थोड़ा सा और घिस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक इसके पूरे दांते ख़त्म नहीं होंगे और परत इस पर अच्छे से नहीं आएगी तब तक हम इधर से ही घिसते इसको रहेंगे, मोटी तरफ से पथरी की मोटी साइड से, जिधर मोटी साइड होती है उधर से हम इस पर घिसते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जब अच्छे से इसके दांते भी ख़त्म हो जाएंगे चौरसी के और इसकी लोहे की परत भी अच्छे से आ जाएगी तो तब तक हम इस पर एक साइड से धार लगाएंगे। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी परत आ चुकी है हल्की हल्की इस पर, ठीक है। इसमें दांते तो खैर नहीं है, चौरसी में पतली परत इस पर आ चुकी है हल्की हल्की। अभी थोड़ा और घिस लेते हैं इसको। तब तक दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये लगभग लग चुकी है धार हमारी, एक तरफ से देखिए दोस्तों, एक तरफ से तो हमारी लग चुकी है। इसमें दांते वगैरह, इसके जो इसमें दांते होते हैं जो कील वगैरह से हो जाते हैं वो निकल चुके हैं इसके, ठीक है। इस पर दूसरी तरफ बाल भी आ चुका है, बाल बोलते हैं उसको, जो इस पर लोहे की परत चढ़ जाती है उसको बाल बोलते हैं हम। इधर भी हल्का हल्का आ चुका है बाल इसका, ठीक है। इसमें ज़्यादा दांते नहीं थे इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं घिसेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इधर से हम इसको पलट लेंगे, जब हम दूसरी तरफ धार लगाएंगे तो पथरी को इस तरीके से पलट लेंगे। इधर हम खड़ी करके लगाते हैं, मतलब ये मोटी साइड होती है, और इधर हम दोनों साइडों से लगाएंगे, ये पतली साइड होती है इसकी, ठीक है। ये चिकनी साइड होती है पथरी की, जो चिकनी साइड होती है ये खुरदरी होती है, मतलब मोटी साइड, इधर मोटा पत्थर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इधर से तो हम इस तरीके से खड़ी करके लगाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, भी सिर्फ खड़ी करके, ठीक है। इधर से लिटाना नहीं है चोरची को, ठीक है। इधर सिर्फ खड़ी करके हम धार लगाएंगे। अब हम जो इसको दूसरी तरफ से धार लगाएंगे, इस तरीके से हम पथरी को पलट लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अब इस पर हल्की हल्की इस तरीके से दोस्तों पूरा लिटा लेना है चोरसी को, ठीक है। इसको ज़रा सा भी उठाना नहीं है, चोरसी को ज़रा सा भी उठाना नहीं है, इसको ऐसा करके उठाना नहीं है, और इसको पूरा लिटा के इस तरीके से पूरा ऐसे करके चलाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ हेल्पर होते हैं, मतलब जो नए नए काम पे आते हैं, तो वो लोग दोनों तरफ से एक सी धार लगा देते हैं, मतलब दूसरी तरफ से भी उठा के धार लगा देते हैं। ऐसा नहीं उठाना है, एक तरफ से तो वैसे ही लगाना जैसे हमने दूसरी साइड पर लगाई थी, जैसे हम लगाते हैं, लेकिन एक तरफ से हमें बिल्कुल लिटा के लगाना है, ठीक है। ऐसे हल्की सी एक साइड से उठा लेंगे फिर लिटा देंगे, ठीक है दोस्तों। हल्की सी उठा लेंगे फिर लिटा देंगे इसको दोस्तों। जब तक घिसना है, जब तक क्या जो हमारा बाल आया था अच्छे तरीके से इस पर से हट ना जाए, ताकि इस पर अच्छे से धार ना आ जाए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने अच्छे तरीके से इस पर धार आ जाती है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इतनी अच्छी इस पर धार आ जाती है कि हम अगर बाल काटना चाहें सर के, तो सर के बाल भी काट सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर धार लगा लेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ये लगभग हमारी धार लग चुकी है, इस पर हम अभी और थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, हम चेक कैसे करेंगे, हमारी धार लग के हो चुकी है तैयार। हम चेक कैसे करेंगे कि अच्छी सी धार लग चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से चेक करेंगे। इस तरीके से ये देखिए, जो मेरी जांग के बाल थे, जो टांग पे बाल होते हैं पैर के ऊपर, वो ये देखिए जैसे कि उस तरह से हमारे बाल साफ़ हो जाते हैं ना, इस तरीके से साफ़ कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे से धार लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।